देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है कि तीन भुजाएं से घिरी होती है। त्रिभुज कितने भुजाओं से घिरी होती है? तीन भुजाओं से घिरी होती है। अब इसमें कहा जाता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि त्रिभुज माने तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि देखिए, मान ले ए बी सी, इसमें तीन भुजाएं हैं, है ना। कितने भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तीनों भुजाओं को मिलाकर के सम्मिलित करने के बाद जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है त्रिभुज के कितने भेद हैं, सभी का वर्णन करें। त्रिभुज के कितने भेद हैं, सभी का वर्णन करें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि त्रिभुज के मुख्यतः तीन भेद हैं। त्रिभुज के मुख्यतः तीन भेद हैं। देखिए तीन भेद कौन कौन होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज के कुल तीन भुजाएं होती हैं, सॉरी त्रिभुज के कुल तीन भेद होती है। पहला समबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला का बन रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका सभी भुजा आपस में समान हो, माने आपस में सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए कि हम इस भुजा को लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी लेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये भी लेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है, यानी आपस में क्या है, सभी भुजा समान है, इसीलिए हम इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होगा कि जिस त्रिभुज का दो भुजा समान हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो तथा तीसरा भुजा असमान हो। दो भुजा समान हो किसमें, समद्विबाहु में, दो भुजा समान हो तथा तीसरा भुजा असमान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मैं समझ लीजिए ये त्रिभुज पी क्यू आर हम मानते हैं, ये मानते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी मानते हैं 4 सेंटीमीटर, और अगला हो गया 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा समान है पर तीसरा भुजा ज्यादा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला कहता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु।